अस्सलाम वालेकुम जी। जिदो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। दोस्तों आज फिर मेरी अगेन वीडियो जो है, मेरा टॉपिक है वो बरवक्त AI ऑनलाइन पाकिस्तान में जितनी भी एप्लीकेशन है उनके ख़िलाफ़ है। तो आज इनका जो मकरूह चेहरा है वो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने कुछ ले कर आऊँगा विद प्रूफ, और आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल इनके बारे देंगे। जी तो दोस्तों आज की वीडियो में जस्ट मैंने आपसे दो टॉपिक शेयर करने हैं, दो बातें शेयर करनी हैं। वीडियो को प्लीज़ यार स्किप नहीं करना कहीं से भी, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इनके ख़िलाफ़ हमने क्या एक्शन करना है, किस तरीके से कार्रवाई करनी है। दोस्तों जस्ट मैंने आपको दो बातें बतानी हैं। जिस बंदे को भी ये कॉल करें, आपके रेफरेंस पे कॉल जाए, आपके अज़ीज़ो क़ारिब को कॉल जाए, आपको कॉल जाए, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, परेशानी का मुजाहरा नहीं करना, रिलैक्स होकर बिल्कुल अपना मोबाइल ऑन करना है। नेट का पैकेज अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास होता है। तो मैं आपको दो तरीक़ेकार बताता हूँ, आपने दोनों तरीके से जिस बंदे को भी ये तंग करें फ़ौरन, आपने अगर किसी ने लोन नहीं भी लिया, मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ भाई आपने भी ये काम ज़रूर करना है। तो इन एप्लीकेशंस की जो लिंक्स हैं वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर कोई डायरेक्टली प्ले स्टोर से कहाँ भी जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, ठीक है जी, डायरेक्ट लिंक ओपन करें, प्ले स्टोर में जाके आपने जो है कंप्लेंट ज़रूर कर देनी है। उसके बाद दोस्तों इनकी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल SCCP की FIA की जो वेबसाइट्स हैं उन पे किस तरीके से हमने कंप्लेन करनी है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करूँगा, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आए हैं, कॉल्स भी मुझे आई हैं कि भाई हमें नहीं पता कि हमने कंप्लेन कैसे करनी है। तो आज इंशाल्लाह ताला आपको वो भी मैं बताता हूँ कि आपने इनके मुतलक जिसको कॉल आए या ना आए, हर बंदे ने रिक्वेस्ट है, हर मुसलमान से ये रिक्वेस्ट है कि सूदखोरों के खिलाफ हमारा साथ दें और प्लीज़ इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट ज़रूर करें। तो आइए मैं आपको सबसे पहले जो इनके हाथों बेचारे जलील और रुसवा हो रहे हैं दोस्त, उनके मैसेज कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको इनकी कंप्लेंट्स के मुतलक दिखाता हूँ किस तरीके से आपने कंप्लेंट्स करनी है। तो ज़रा गौर फरमाइएगा जी। तो दोस्तों आप ये चेक कर लें, देख सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिक्योरिटी एक्सचेंज में इनकी जो इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा दी है। तो जी तो दोस्तों ये बरवक्त कंपनी के ऑफिशियल नंबर्स हैं, जिस नंबर से ये कॉल करके आपको हरासा करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो इन नंबर्स को ज़रा नोट फरमा लीजिएगा लाजमी, और मुकम्मल तौर पे इस बात का अपने तवज्जो रखनी है कि इनके कॉल अटेंड नहीं करनी, और अगर अटेंड करनी है तो एक मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी। सेकंड नंबर पे दोस्तों मैं ये नंबर जो शेयर कर रहा हूँ AI कैश और फोरी मनी के हैं जी, वो इनके ऑफिशियल नंबर हैं जिनसे ये कॉल करके आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे, या इन्हीं नंबर पर इनके व्हाट्सएप भी बने हैं, तो इन नंबर पर गौर से तवज्जो फरमा लें, इनसे बिल्कुल भी आपने कॉन्टेक्ट नहीं करना। ये दोस्तों ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, हमने एक ऐड बना के सोशल मीडिया पे काफ़ी शेयर किया है, तो इसको तवज्जो के साथ ज़रा गौर फरमा के पढ़िएगा जी। तो दोस्तों ये पूरी जो मैंने ऐड बनाया है वो आपने तसल्ली के साथ पढ़ लेना है। तो इसके बाद दोस्तों अगर किसी भी बंदे को ये ज़्यादा कॉल्स करते हैं, परेशान करते हैं, ज़हनी तौर पर टॉर्चर करते हैं, या आपके घरेलू मामला में किसी भी तरह से इंटरफेस करने की कोशिश करते हैं आपके घरेलू नंबर्स पे, तो दोस्तों आपने 9911 ये FIA की ऑफिशियल हेल्पलाइन है, इस पे कंप्लेन कर जी। तो दोस्तों कंप्लेन करते वक्त आपने बिल्कुल भी किसी किस्म की शर्मसारी महसूस नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा जो हमारे दोस्त हैं, ये हमारा तकरीबन सभी दोस्तों का यही हिसाब है कि अगर किसी ने 10 रुपये भी लिए हैं लोन, तो वो अपनी परेशानी की वजह से कि यार मेरे ऊपर सवालात जवाब काफ़ी किए जाएंगे, तो उस वजह से वो कंप्लेन ही नहीं करते। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा बहुत अच्छा है, FIA ठीक है, आपने एक दफ़ा कॉल ज़रूर करनी है 9911 पे, जो मैंने आपको बताया 9911, इस पे कॉल हेल्पलाइन पे फ़ौरन करके आपने मुकम्मल उनको तफसील से बता देना है, जनाब हमने लोन ज़रूर लिया है इनसे, लेकिन ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, अभी पैसे हमारे पास नहीं है, जब होंगे हमने बोला कि तब वो आपको पेड कर देंगे, तो आगे से गालियां देते हैं, टॉर्चर करते हैं, हमारे जो अकाउंट्स वगैरह उसको हैक करने की जो है ये बातें करते हैं कि हम हैक कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आपने उनको मुकम्मल तफसील के साथ गाइड करना है, बताना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको वो अपने जो भी आपका मुतलका FIA ऑफिस होगा उसमें आपको बुलवाएंगे, बुलवाने के बाद एक रिटर्न एप्लीकेशन
लेंगे आपसे, लेने के बाद इंशाल्लाह ताला इनको वो ख़ुद कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो ख़ुद इनको मना करेंगे कि आपको किसी भी तरह से कॉल ना की जाए। अगर उसके बाद भी आपको ये कॉल करते हैं तो लीगल जो अदालत होगी वो इनको नोटिस जारी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इनको जब नोटिस मसूल होंगे तो फिर आपको भी बुलाया जाएगा और इनको भी आना पड़ेगा। तो आपने सिंपली ये लाजमी करना दोस्तों, फौरन आपने कंप्लेन लाजमी कर देनी है। SCCP की वेबसाइट है जो, उस पर भी मैं आपको बताता हूँ, और जो 9911 मैंने आपको बताई है इस पर भी एक मिनट की कॉल ज़रूर करके मुकम्मल इनके जो ब्लैकमेलिंग है उनको ज़रूर बता देना कि सर ये हमें इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, ये अभी एक भाई के मुझे मैसेज मसूल हुआ है, उन्होंने अपनी डिटेल बताई है कि उन्होंने इनसे तकरीबन 64,000 रुपये लोन लिया है। तो लोन लेने के बाद ही उनको इतना ब्लैकमेल, इतना ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहे थे, उन्होंने अपना घर छोड़ के घर से भाग गए। तो जब उनके माँ बाप पुलिस ने उनको ढूंढा, ढूंढ के जब वापस घर पे बैग लेके आए, तो ये मैसेज उनका लिखा है, मुकम्मल रीड कर लें। तो SP साहब ने उनको अपना नंबर दे दिया भाई को कि किसी किस्म की टॉर्चर कर, ये लोग आपको टॉर्चर करें तो आपने मेरे साथ एक दफ़ा रब्ता ज़रूर करना है। तो जब SP साहब ने भाई को नंबर दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई इतने कॉन्फिडेंस में, अभी किसी किस्म की ज़हनी तौर पर उनको परेशानी नहीं है। जी मेरे पास को बंदा अभी इनका आए तो सही, ठीक है, तो इनको बताएंगे पैसे कैसे देते हैं। दोस्तों किसी को भी ये कॉल करें, आपने सिंपली एक ही बात बोलनी है, जनाब पैसे लेने हैं, हमारे इलाके में आ जाएं, हमारी सिटी में आ जाएं, पैसे दे देते हैं। तो ना ही ये आने वाले हैं, क्योंकि ये सूदखोर बगैरत तरीन ज़माने के घटिया तरीन बंदे हैं। तो ये कभी भी, इनकी इतनी औकात नहीं है ये आपका सामना कर सकें, ना ही कर सकते हैं ये। बिल्कुल ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहें ब्रदर्स, कोई ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आपको ID कार्ड किसी भी तरह से ब्लॉक करवा सकते हैं। तो आइए अभी इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आपने किस तरह से करनी है, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, और जैसे मैं आपको तरीकाकार गाइड करूं, आपने कोशिश करनी है सेम उसी तरीके के साथ एप्लीकेशन आपने सबमिट करवा देनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के 48 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा, और जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप, जहाँ पर हम कंप्लेंट अपनी करेंगे वहीं पे जाके हम अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। तो आइए अभी आपको मुकम्मल मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे जाके मुकम्मल तफसील के साथ आपको समझाता हूँ किस तरीके से कंप्लेन करनी है। तो चलिए मेरे साथ अब। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपने काम करना है, अपना प्ले स्टोर ऑन करना, ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपने बर वक्त लोन ऐप ये आ गई जी, ठीक है जी। ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप ये सर्च करेंगे बर वक्त लोन, ये एप्लीकेशन आपके पास प्ले स्टोर में शो हो जाएगी। इसको शो होने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जब ये अपना आगे वाला इंटरफेस शो करेगी, शो करने के बाद आपने दोस्तों सबसे पहले ये रेट दिस ऐप लिखा है, 5 स्टार हैं, इनमें से आपने इनके स्टार्स गिराने हैं, 1 स्टार करना है इसको। तो ये आप चेक कर लें, ये देख लें आप, ये 5 स्टार्स हैं, तो इनको आपने सिंगल स्टार पे ले आना है। कोई भी दोस्त जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ यार इनको एक से दो दूसरा स्टार नहीं देना बिल्कुल भी, 1 स्टार करके आपने। उसके बाद दोस्तों जैसा कि ये देख लें, मैं भी करता हूँ, 1 स्टार किया आपने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने एक बेस्ट अच्छा सा कमेंट रीड करना है, रोस्ट ऐप फॉरवर्ड इन पाकिस्तान, प्लीज़ कोई भी इंस्टॉल ना करे, और इन सूद खोरों के ख़िलाफ़ के खिलाफ प्लीज खड़े हो जाएं। जी तो दोस्तों, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने अपना जो कमेंट है वो भी डाल दिया है, स्टार मैंने 1 कर दिया है। तो ये देखें सबसे ऊपर यहाँ पे ये पोस्ट का ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने इसको पोस्ट कर देना, ठीक है जी। ये देख लें, जैसा कि मेरी ये जो रिव्यू है मेरा डन कन्फर्म हो चुका है, मैंने अपना रिव्यू जो है डाल दिया। तो रिव्यू डालने के बाद दोस्तों फिर आपने सिंपली एक सेम काम करना है, एक और जो है
आपने ये जो दोस्तों आपको थ्री डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये जो थ्री डॉट्स हैं आपने इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे थर्ड ऑप्शन फ्लैग एज इनअप्रोप्रिएट, सॉरी यार अगर कोई पढ़ने में गलती होगी हो क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने आना है तो आके आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो ये भी आपने गौर तवज्जो से गौर फरमाना है, ये हार्मफुल डिवाइस और डाटा, यहाँ पे आपने ज़रूर क्लिक कर देना। ये तीन नंबर पे शो कर रहा है, ठीक है जी। ये जब आप करेंगे तो सबमिट करेंगे, आगे फिर आपसे जो है ना ये डिस्क्रिप्शन मांगेगा कि आप क्यों इनके खिलाफ कंप्लेन करना चाह रहे हैं। तो आगे आपने हैकिंग पाकिस्तान पीपल डाटा, ठीक है जी। ये आपने इस तरीके से जो है ना कमेंट देना है, देने के बाद आपने दोस्तों ओके कर देना है। डेली बेस पे सुबह उठते वक्त आपने उठते साथ दोस्तों ये काम एक ज़रूर करना है। जितनी भी लोन्स ऐप हैं यही इनका तरीका कार है इनके खिलाफ कंप्लेन करने का, सुबह उठते रात को सोते प्लीज़ इनके खिलाफ एक कंप्लेन ज़रूर करें ताकि प्ले स्टोर से गूगल इनको रिमूव जल्द अज जल्द प्ले स्टोर से रिमूव कर दे। तो इसके बाद दोस्तों जो SCCP की किस तरह से वेबसाइट पे कंप्लेन करते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ जी। तो ब्रदर्स दूसरा जो आपने काम करना है, उम्मीद करता हूँ आपको जिस तरह से इनकी प्ले स्टोर में कंप्लेन करनी है तो वो आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों शॉर्ट करता हूँ, बात काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों आपने ये मेरे पास एप्लीकेशन खुली भी है लेकिन आपने न्यू टैब पे जाना है। न्यू टैब पे जाने के बाद दोस्तों आपने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये सर्च कर लेनी है जी। जो सबसे पहले दोस्तों ये देख लें आप, जब आप इस तरीके से फेडरल, ये आपने काफ़ी दोस्त हैं जिनको नहीं समझ लगती तो ये मैं आपकी रहनुमाई के लिए बता रहा हूँ, ये क्लिक कर रहा हूँ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आपने जब ओके करना है तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी ये देख लें, इसी पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ये जो फिर थ्री डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये देख लें आप, इस पर आपने ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों ये देख लें, एक दो तीन चार पाँच, पाँचवें नंबर पे होम से लेके पाँचवें नंबर पे ये देख लें कंप्लेन सेल, ये जो कंप्लेन सेल नज़र आ रहा दोस्तों आपको, यहाँ से आपने ओके करना है। जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा कंप्लेन सेल है जो वो खुल चुका है। अभी देख लें आप किस चीज़ में कंप्लेन करना चाह रहे हैं, एंटी करप्शन में, इकोनॉमिक क्राइम में, ठीक है जी, साइबर क्राइम में, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग में, एनीवन जो भी हमारा मेथड होगा ना दोस्तों वो सारे इधर पड़े हैं। तो हमने जो करनी है कंप्लेन वो आप वो तवज्जो से ज़रा वीडियो को देखिएगा साइबर क्राइम पर, ठीक है जी। ये जो आपको क्लिक के अंदर नज़र आ रहा है यहाँ से हमने कंप्लेन करनी है साइबर क्राइम को, ठीक है जी दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इनको कॉल करना चाहें तो इनके जो नंबर्स हैं वो भी हमारे पास शो हो जाएंगे लेकिन हमने ऑनलाइन कंप्लेन करनी है। तो दोस्तों कंप्लेन करने का जो तरीका है वो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो जो जो भाई ले चुके हैं लोन प्लीज़ यार खुदारा ये काम ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की कानूनी तौर पे हमारे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे भाइयों के लिए किसी भी तरह से परेशानी ना बनाए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम अपना ओके करना है, लिखना है। सेकेंड पे आपने अपना CNIC नंबर डाल देना है विदाउट डैशेज नहीं डालनी। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, अगर लड़की है, लड़की
कंप्लेन कर रही हैं तो फीमेल कर लें, अगर लड़का कर रहा है तो मेल कर लें। यहाँ से नीचे दोस्तों जो आपका सेल नंबर मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं चल रहा है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका कोई पीटीसीएल नंबर है वो डाल देना, नहीं तो यहाँ पे भी अपना सेकंड मोबाइल नंबर डाल दें। एक्टिव ईमेल यहाँ पे दोस्तों आपने अपना लगा देना है, तो यहाँ पे अपना एक्टिव ईमेल लगाएं। लगाने के बाद दोस्तों अपना जो आपका पेशा है ऑक्यूपेशन है जो भी आप काम करते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अपना जो आपका पोस्टल एड्रेस है कंप्लीट जिस सिटी में रहते हैं मुकम्मल, कुछ भी आपने गलत अंदराज नहीं करना यहाँ पे, नहीं तो आपकी जो कंप्लेन होगी वो रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अपना एड्रेस डाल देना है, एड्रेस डालने के बाद सिटी डाल देनी है यहाँ पे। सिटी के बाद दोस्तों क्राइम कैटेगरी, ये जो मेन मुद्दा है तो दोस्तों आपने ये देख लें, साइबर क्राइम, हैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स, साइबर साकिंग, स्टालिंग, स्टालकिंग, ऑनलाइन डिफेमेशन, हेट स्पीच एंड अदर ऑनलाइन क्राइम्स। अगर इंग्लिश में, यार मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ गुजारा कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ओके करना, ओके करने के बाद दोस्तों जो सबसे मेन काम है, अगर आपने जिस भी एप्लीकेशन से लोन लिया वो बार वक्त है, वो AI कैश है, एनीवन कोई भी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपने उर्दू में लिख दें, पंजाबी में लिख दें, किसी भी जगह से लिख लें, आगे वो एजेंसी वाले खुद ही ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने डिटेल में जो मुद्दा है वो सारा लिख देना है, ये आपको कैसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, किस किस तरीके से ये टॉर्चर कर रहे हैं, तो तफसील के साथ आपने यहाँ पे रीड कर देना है। तो जो इनकी कुकीज़ हैं यहाँ से ओके करके यहाँ से नीचे आपने दोस्तों यहाँ से सबसे नीचे सबमिट कंप्लेन कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ यार दोस्तों से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर किसी भी मेरे दोस्त को भाई को किसी भी तरह से कुछ समझ ना आई हो तो मैं अपना जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर ये किसी बंदे को ज़्यादा जलील और रुसवा कर रहे हैं, तो अगर किसी भाई को कंप्लेंट का ना अंदाज़ा हो कैसे कर रही हैं, तो वो अपनी डिटेल के साथ मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ से कंप्लेंट हम खुद बना के कंप्लेंट आगे शेयर करेंगे जी। तो इसी के साथ दोस्तों मंजर शाह को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मंजर व्लॉग्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।